कुछ भी। नो गिर गया ना, गिर गया ना। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ लद्दाख सीरीज। और अभी हम हैं भाई लेह में। रात को भाई सीधा स्टे करा था, होटल वगैरह ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, आधा घंटा लग गया था क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था, क्लोज हो गया था सब कुछ, आर्मी ने माल रोड वगैरह भी बंद कर दिया था। तो मैं देख के आया था, पूरा घूमा, पूरा टाइम वेस्ट करा, उसके बाद जाके भैया का होटल मिला। तो ये पूरा पीछे उनका घर है, ये होटल है इधर। फ्लिप को खाना वगैरह खिला दिया, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं सो गया था, फिर लंच करके नहाया हूँ। अकेले हूँ यार, क्या कर सकता हूँ, बोर हो जाता हूँ तो सो ही जाता हूँ। तो नींद वगैरह पूरी हो चुकी है, अब चलते हैं फटाफट। आज एक फेस्ट भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाने की सोच रहे हैं। वो जिनका फेस्ट है वो यहीं से कर रहे हैं, और भैया को भी पास में लोग, तो वही कह रहे थे कि चल पड़ना यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस पर। फिलहाल वो बात की बात है, ये क्या हुआ है, वो बात की बात है भाई। पहले चलते हैं अभी लेह मार्केट की तरफ। सीजर भाई बहुत पिलर थी हमारे पास, ये भाई हमारे फ्लिप का बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहता था, पर ये डर रहा है थोड़ा, तो इसलिए इसको मैं छोड़ नहीं सकता नीचे। फिलहाल भाई चलते हैं। पीछे मैंने सारा सामान शिफ्ट कर दिया क्योंकि बैग वगैरह रखती है ऊपर रूम में, तो पीछे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक ब्लैंकेट है और ये आइसक्रीम का बॉक्स है। फिलहाल चलते हैं। भाई गाड़ी कैसी लग रही है बता दो। गाड़ी धो नहीं सकता था मैं क्योंकि मेरे को वैसे भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने टायरों का आज फिर पॉलिश कर दिया जिससे टायर चमकते रहे, तो दिल को शांति मिली रहेगी। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं कुछ, आज थोड़ी एनर्जी आई है तो पूरी एनर्जी के साथ आओ चलते हैं दोनों साथ। पे आए थे शांति स्तूपा, और यहाँ पे भाई मैं भीड़ देख के डर गया क्योंकि मेरे को बढ़िया सब किया, एक बार लंच करना है दोबारा से, कैफ़े में बैठ के बढ़िया कॉफ़ी पीनी है, बढ़िया पिज़्ज़ा खाना है, और इतनी भीड़ में तो भाई एक घंटा ख़राब हो जाएगा। ये देखो यहाँ से पूरी ले सिटी दिखती है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई कोई जगह मिस करनी है, लद्दाख आए इतनी दूर तो सारी जगह आएंगे। बस बात इतनी सी थी कि यार भूख लग रही है और कुछ अच्छा सा खाने का मन है क्योंकि दाल चावल खा खा छिक गया भाई, या तो अभी दोबारा चक्कर मार देंगे ले आएंगे फिर मॉर्निंग में जल्दी, क्योंकि यार क्लिप भी तभी अच्छी बनती है जब कोई नहीं होता। आधे घंटे बाद पार्किंग मिली है, दुखी हो गए, ये तो सो रहा था, मेरे को पता ही नहीं था पहली बार ले आ रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग ही इतनी दिक्कत है। कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर पार्क करिए भाई अभी माल रोड से, और माल रोड पे ही अच्छे कैफे थे, तो जिस हिसाब से भूख लग रही थी इतना ही टाइम हमें वहाँ लगता,
किस्मत किस्मत होती है, पर कोई नहीं, अभी खाते हैं पहले, बहुत तेज भूख लग रही है, चलते हैं फटाफट लॉक कर दी गाड़ी। हाँ तो भाई अपना खाना आ चुका है, पिज्जा और कॉफी जैसे तुम्हें बोला था। और एक बार इस बाबूजी को देख लो, ये दुनिया का फेवरेट होता जा रहा है, ये मैं फेमस हूँ चाहे ना, ये जरूर हो जाएगा भाई, ये नहीं दिखाने देगा कुछ भी। नो ओ, गिर गया ना। हाँ तो भाई रात को तो और ज्यादा प्यारा लगता है यार, माल रोड देखना, मतलब ऐसी भी कोई जगह है क्या इंडिया में? ज़रूर है भाई, आना आप भी। सच में मेरे को भी नहीं लगता था, मेरे को भी ये था बस दूर दूर है, पर इतना सुंदर थोड़ी हो सकता है जो लोग बाइकों पे निकल जाते हैं। हाँ तो भाई पहुंच गया पार्किंग में, और एक हाथ में मेरे फ्लिप और सामान दोनों चीज़ें, तो ज़्यादा दिखा नहीं सकता मैं तुम्हें, गेट भी खोलना ही पड़ेगा। वैसे तुम गाड़ी देख लो मस्त लग रही है, अब मैं गेट खोल लूँ फटाफट। टाइम हो रहा है 12:30 और एडिटिंग कर रहा था मैं, और ये देखो जब मैं फ्लिप को नींद से उठाता हूँ तो ये कैसे हो जाता है। ओए खड़ा हो, खड़ा हो, बैठ, ये देखना आप गिर जाएगा असली है। भाग गया। ये मैंने पूरा कवर कर रखा है, इनसे पिलो मंगा रखे है भाई एक्स्ट्रा, ताकि ये नीचे ना गिरे। ये देखो सो गया, बिल्कुल शांति है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, और यहाँ पे मैं और फ्लिप बस सोने वाले हैं। ये तो सो ही गया था, मैं भी बस सो रहा हूँ, सुबह यार निकल रहे हैं क्योंकि ले में अपना एक दिन वेस्ट हो चुका है, तो बहुत आगे जाऊँ। देखो ए बंदर, बैठ 2 मिनट बैठ, देखना भाई पूरी एक्टिंग बाद चला जा सोते हैं। चलो भाई गुड नाइट, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, बाय बाय।